हाँ सर, कल कल ही यस, आते हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लासेस। चलिए तो देखिए, कल तक बच्चों हमने ये लास्ट एग्जांपल 2.11 तक कर लिया था यहाँ से। आज हम इसके आगे का कवर कर रहे हैं। हैं। यस सर। तो देखिए, इसमें जो जो बातें मुझे बतानी है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद एग्जांपल 2.13 है बच्चों। ये जो है इसका मैंने अभी वीडियो सॉल्यूशंस आपको डाल दिया। जिन क्वेश्चंस में वन टिक है वो मैंने करवा दिया है। तो ये वाला क्वेश्चन 2.13 भी हो चुका है, 2.14 भी मैंने करा दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2.16 में डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। तो दोनों तरफ की डायमेंशन निकालोगे, हाफ एम वी स्क्वायर की, एम जी एच की सेम आ जाएगी, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर है? यस सर। यस, तो ये भी आज की क्लास में हो चुका है। देन एग्जांपल 2.17, वही फार्मूला 2π√L/g, इसको हम पहले कर चुके हैं, एक बार याद करो आप लोग, पेंडुलम वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? यस सर। फिर इसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर की कल बात की थी हमने, न्यूक्लियर फोर्स होता है इसकी, जो ऑर्डर होती है 10^-15। गिव टू डिस्कवरीज और फिजिक्स इन योर डेली लाइफ। तो भाई साहब ये तो बहुत ही जनरल टाइप का क्वेश्चन है, एक सर, है ले लो। न्यूक्लियर फोर्स की तो ऑर्डर 10^38 होती थी ना बेटा? क्वेश्चन देखो, रेंज बोला, ऑर्डर नहीं बोली है। अच्छा सर, रेंज आपने 10^ बोला। हाँ शायद मैंने गलत बोल दिया, रेंज बेटा 10^-15 मीटर, क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूक्लियस के अंदर लगता है, जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज होता है 10^-15 मीटर। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ चलो, ये हो गया। फिर इसके बाद डिस्कवरी ऑफ फिजिक्स यूज इन आवर डेली लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी हो गई एक डिस्कवरी, और दूसरी क्या है? मोटर व्हीकल है ना? यस सर। जो हम लोग गाड़ियों में चलते हैं। यस सर। तो मोटर व्हीकल भी दूसरी है। तीसरी डिस्कवरी है मोबाइल, मोबाइल फोन, सो सिंपल। हाँ तो सर, कुछ भी लिख सकते हो, इतनी डिस्कवरी है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड पारसेक? तो बहुत ही सिंपल रिलेशन है, 1 parallactic second = 3.26 light year। क्लियर है? यस सर। ये तो इजी चीजें हैं, है ना? हम्म, बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। चलिए आगे, गिव द ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग, साइज ऑफ द एटम एंड साइज ऑफ आवर गैलेक्सी। तो बेटा साइज ऑफ द एटम लिख लो, 10^-10 होता है तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी? -10। साइज ऑफ द गैलेक्सी 10^22 तो इसकी ऑर्डर कितनी होगी? 22। क्लियर? यस सर। नोट, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लर्निंग फैक्ट्स हैं, है ना? डन? यस सर, डन। चलो आगे, हाउ मेनी किलोग्राम मेक 1 unified atomic mass unit? तो बहुत ही सिंपल है, 1 AMU इक्वल टू होता है 1 यूनिट, या उसी को 1 AMU बोलते हैं, 1 यूनिट कह लो, ऐसी को हम 1 AMU कहते हैं। इक्वल्स टू कितना होता है? 1.66 × 10^27 किलोग्राम, -27 किलोग्राम। क्लियर? यस सर। ये है नेक्स्ट, अगला, नेम सम फिजिकल क्वांटिटी दे हैव सेम डायमेंशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम हो। बताइए, बहुत ही सिंपल है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट सर, स्क्रीन। क्वेश्चन है, नेम सम फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव सेम डायमेंशन। वर्क और एनर्जी। हाँ एग्जैक्टली, वी हैव सो मेनी क्वांटिटीज दैट हैविंग द सेम डायमेंशन, वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है, ओके, इनकी डायमेंशंस क्या है? सेम है, ओके। और कौन कौन सी हैं जिनकी डायमेंशन सेम है? प्रेशर, प्रेशर के साथ किसको ले सकते हो? स्ट्रेस को, ओके। देन मोमेंटम के साथ किसको ले सकते हो? इम्पल्स को। यस सर। सर इनकी डायमेंशन सेम होती सेम है, तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? दोनों सेम ही चीज़ होती है। नहीं, डायमेंशन सेम है, क्वांटिटी अलग अलग है, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो थोड़ा डिफरेंस आपको समझ में आएगा, केवल डायमेंशन सेम है मगर क्वांटिटी अलग अलग है। क्लियर? ओके सर। नेम द फिजिकल क्वांटिटी विद हैव द डायमेंशन फार्मूला (ML)^-1 (T)^-2। वेरी सिंपल, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? प्रेशर।
मीटर ओके, पर सेकेंड। हाँ तो ये सर, प्रेशर है, प्रेशर, स्ट्रेस है, यस मॉडुलस सर, ऑफ इलास्टिसिटी, इस नाम से ये पूछ क्वांटिटी है, प्रेशर है, स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, वैसे मैं फॉर्मूला बताता हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को ई से शो करते हैं और ई इज इक्वल टू होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अच्छा ठीक है ना, लिख लो कॉपी में, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, यस सर। स्ट्रेस मतलब वही प्रेशर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि yes, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। दोनों रेशियो में, हाँ इस तरीके से नोट कर लो, yes, फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? यस सर। ओके, सो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। गिव टू एग्जांपल ऑफ डायमेंशन लेस वेरिएबल। डायमेंशन लेस वेरिएबल बताना है, तो ऐसे वेरिएबल जो डायमेंशन लेस हो, मतलब बदल सकते हो डायमेंशन लेस। आंसर स्ट्रेन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्ट्रेन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट सर, रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं क्या बेटा? रिलेटिव डेंसिटी भी बोल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। रिलेटिव डेंसिटी क्या कह रहा है? डायमेंशन लेस वेरिएबल, बिल्कुल सही बात है, डायमेंशन लेस वेरिएबल। एंगल भी बोल सकते हो बेटा यहाँ पे। वन मोर थिंग, यहाँ पे एंगल लिख लो और एक नो आपने बताई रिलेटिव डेंसिटी, ये भी है, तो एंगल भी है और रिलेटिव डेंसिटी भी है, दोनों है। यस सर। चलिए अब इसके साइंटिफिक फिगर्स निकाल लें, कोई कर लोगे ना खुद से? हाँ सर। चलिए साइंटिफिक फिगर्स करा दिए हैं मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिवन रिलेटिव एरर एंड मेजरमेंट इज 0.2, व्हाट इज द परसेंटेज एरर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके लिए, बताइए रिलेटिव एरर 0.2 है, परसेंटेज एरर कितनी होगी? सर 20। 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दोगी ना, तो 2% ही तो बचा। हाँ सर, हाँ सर, सर 20 2%, 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
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स इक्वल टू एम की पावर ए एल की पावर बी टी की पावर माइनस सी एंड द परसेंटेज एरर आर अल्फा बीटा एंड गामा व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन एक्स। बहुत बहुत ही सिंपल है, बोलो क्या होगा आंसर। डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। अरे आपको ऑलरेडी परसेंटेज एरर दे दी गई है अल्फा बीटा अच्छा। गामा, तो आपको एक्स की एरर बतानी है सर। अल्फा नहीं 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 एक मिनट सर, सॉरी सर सर नहीं आ रहा समझ में। कल ही तो बताया मैंने कि एम की एरर कितनी है अल्फा, एम की परसेंटेज एरर कितनी है अल्फा, तो आंसर कितना हो जाएगा। ए पावर है तो ए अल्फा प्लस बी बीटा अच्छा, प्लस सी गामा। याद आया? यस सर आ गया, यस सर आ गया। हाँ बिकॉज परसेंटेज एरर आपको गिवन है तो परसेंटेज एरर में पावर का ही तो मल्टीप्लाई होगा, एम की पावर ए है तो ए आगे आ जाएगा। सो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा, क्लियर? यस सर क्लियर। हाँ और निगेटिव पावर होती तभी वो प्लस ही एड होता है एरर में, क्योंकि एरर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देती है। ठीक है यस सर, बन जाएगा। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, इसको आप जो है लेक्चर से देखिएगा, मैंने कराया है उसमें। जी सर। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, नेम द टेक्निक यूज इन द लोकेटिंग अंडर वाटर ऑब्स्टेकल। क्या होता है? सोनार, पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन इन स्पेस, रडार। क्लियर सर, ये मैंने पहली बार सुना है। बेटा पानी के अंदर के ऑब्स्टेकल को ढूंढ निकालने के लिए सोनार का यूज होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, एंड ऊपर आसमान में डिस्टेंस पता लगाने के लिए एरोप्लेन का रडार का यूज होता है।
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है? अच्छा, यस सर। चलो नेक्स्ट, डेड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूले फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने का तरीका लिखो। यस सर। एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, मतलब एनर्जी अपॉन टेम्परेचर या हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट अपॉन टेम्परेचर। यस सर। क्लियर? यस सर। तो हीट क्या होती है? MLT की पर माइनस टू, टेम्परेचर केल्विन, MLT की पर माइनस टू, K की पर माइनस वन। डन? यस सर। ओके। एंड सेकेंड, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सेकेंड लिखा है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्लियर? यस सर। ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या है? इसका मैं बताता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का फॉर्मूला समझने के लिए, W इक्वल्स टू जे एच, W इक्वल्स टू जे एच। क्लियर? यस सर। जे कहलाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जे इज इक्वल्स टू W बाई एच। W मतलब जूल में वर्क, एम एल टी की पावर माइनस टू, एम एल टू डी पावर माइनस टू। हीट मतलब कैलोरी, तो कैलोरी भी क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला एम एल टू टी की पावर माइनस टू, दोनों कैंसिल हो गए, नो डायमेंशन, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। अच्छा, समझ में आया? यस सर। यस। सो दोनों की डायमेंशन चेक कर लो, ये देखो, ठीक है? यस सर। चलिए, गिव एग्जाम्पल ऑफ द डायमेंशन कॉन्स्टेंट एंड डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट। तो डायमेंशनल कॉन्स्टेंट क्या होंगे? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये डायमेंशनल कॉन्स्टेंट। और डायमेंशनल कॉन्स्टेंट क्या होंगे? डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, पाई, एक्सपोनेंशियल, है ना? यस सर। ये है डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। क्लियर है? यस सर। ओके, नेक्स्ट, वट इज अ फिजिकल स्टैंडर्ड? फिजिकल स्टैंडर्ड इज अ स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड विच इज यूज टू कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम टाइप। यस और नो? यस सर। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी, इट शुड बी इनवेरिएंट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड ऑल। यस और नो? सर जी, रिप्रोड्यूसेबल भी होना चाहिए। रिप्रोड्यूसेबल। डिफाइन द टर्म यूनिट, द स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड विच इज यूज टू कंपेयर, विच इज यूज टू मेजर द अनदर वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फंडामेंटल एंड डिराइव यूनिट, ये तो जानती हो। हाँ सर। ओके, नाउ स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, टेस्ट द डायमेंशनल होमोजेनिटी इक्वेशन। बनता है ना ये? हाँ सर, ये हो जाएगा। हाँ, इसको चेक कर लोगे ना? हाँ सर, कर लेंगे। यस। देन इसके बाद इन वॉन्डर वर्ल गैस इक्वेशन, बेटा ये मैंने वीडियो में करा रखा है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, यूजिंग डायमेंशन कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन 1 आर्ग इंटू जूल। कन्वर्ट कराया था ना? हाँ सर, कराया था। ये भी करा रखा था। 5/10^7। ये भी क्वेश्चन मैंने अभी आज जो वीडियो लेक्चर लिया है, आपको लिंक शेयर करी, उसमें मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। गिव द डायमेंशन लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, मैंने बताया था कि इसे प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आप नहीं निकाल सकते हो, इक्वेशन कंटेनिंग साइन कोसाइन लॉगरिथम नहीं निकाल सकते हो। याद आ गया? हाँ सर। चलो अगला क्वेश्चन, फिर टेंथ क्लास का टेंथ क्वेश्चन एरर का। फॉर डिटेक्शन ऑफ जी यूजिंग सिंपल पेंडुलम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ टाइम पीरियड आर रिक्वायर्ड, एरर ऑफ मेजरमेंट विच क्वांटिटी विल हैव लार्जर इफेक्ट ऑन जी दस ऑब्टेन्ड, व्हाट इज डन टू मिनिमाइज दिस एरर। ठीक है? यस सर। चलो ये कह रहा है कि अगर जी की वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है सिंपल पेंडुलम से, है ना? यस सर। तो किस चीज को आपको एरर को मिनिमाइज करना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा किस चीज पे डिपेंड करेगी? तो देखो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। यस सर। बेटा फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। बोलिए यस और नो? यस सर। जी को ऊपर ले आइए, तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, और बचा कितना एल,
ये सुनो, यस सर। अब हम एरर निकाले, रिलेटिव एरर। टू डेल्टा जी अपॉन जी इज इक्वल टू 4π² तो कांस्टेंट है, टी की एरर 2 पावर से है, तो 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी, बोलो यस की नो। प्लस डेल्टा एल अपॉन एल बनेगा, बनेगा सर। तो जी में सबसे ज्यादा एरर का कंट्रीब्यूशन किसका है, टाइम का, टी का है, यस सर, क्योंकि 2 टाइम्स हो रहा है। वैसे भी देख लो पावर भी 2 लगी हुई है, तो जी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसका रहेगा, टाइम का रहेगा। यस सर। तो कह रहा विच क्वांटिटी विल हैव लार्जर इफेक्ट, आंसर टाइम। ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर, यस सर, ले लिया। डन डन सर। डिटरमाइन द नंबर ऑफ लाइट ईयर्स इन 1 मीटर। तो 1 लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, सो 1 मीटर इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10 की पावर 15। क्लियर सर? हाँ, वो जो उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में जो सेकंड पार्ट था, व्हाट इज डन टू मिनिमाइज दिस एरर, उसका क्या होगा? व्हाट इज डन टू मिनिमाइज द एरर, अगर आप इसकी एरर को कम करना चाहते हो तो आप टाइम की एरर कम करोगे, मतलब टाइम को आप प्रिसाइजली नापोगे। क्लियर? अच्छा, अगर टाइम में एरर कम होगी तो ऑलरेडी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कम एरर आएगी। ओके, यस सर, ठीक। चलिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, देख लिया होगा लाइट एयर को कन्वर्ट करना। हाँ सर। हाँ बेटा, ये आपका 14 क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है? यस सर, यस सर। हाँ, 15 क्वेश्चन ड्यू कर रहा हूँ, नाउ 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। यस सर। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर 10.5 प्लस 0.2 सेंटीमीटर एंड 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर विद एरर लिमिट्स। सो सिंपल, पेरीमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ्स, होता कि नहीं होता? यस सर, यस सर। तो इसका 2 गुना करके ऐड कर देंगे, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ में ट्रू वैल्यूज ऐड हो गई। हाँ सर। लेंथ प्लस ब्रेथ। हाँ सर। और एरर वाला पार्ट भी 2 ऐड हो करके, एरर वाला पहले की एरर लेंथ की 0.2 एंड ब्रेथ की 0.1। डन? यस सर, आंसर ही आ जाएगा, बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। सिंपल, क्या किया, ट्रू वैल्यूज को अलग अलग ऐड कर दिया, जो 10.5 एंड 5.2 है, और एरर वाला पार्ट अलग से ऐड कर दिया, ठीक है ना? हाँ सर। चलो, बन जाएगा। हाँ सर। क्वेश्चन पढ़ो। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.3 kg। 2 gold pieces 20.15 ग्राम एंड 20.17 ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स। फर्स्ट, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉक्स? देखो बेटा, द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय अ ग्रॉसर बैलेंस इज 2.3 kg। 2 gold pieces आर एडेड इन द बॉक्स। तो बेटा शुरू वाला किलोग्राम में है, नीचे वाले ग्राम में है, अब ऊपर वाले को भी ग्राम में बदल लो पहली चीज, क्योंकि इसको ऐड करना है, टोटल मास निकालना है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब इसके बाद ऐड करने के बाद तुम देखो कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा किलोग्राम में बदलने के बाद, 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि 2.3 में 2 डिजिट है। बोलो यस और नो? हाँ सर। तो आंसर हमको कितने डिजिट में देना पड़ेगा? 2 डिजिट में। यस और नो? यस सर। तो देखो कैसे किया, सबसे पहले गोल्ड पीस का मास ऐड कर लिया। हेलो, यस की नो? यस सर। गोल्ड पीस के दोनों मास को टोटल कलेक्ट कर लिया, 40.32 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 0.4032 ग्राम। यस और नो? यस सर। 0.04032 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4। हाँ सर। और हमारा जो है इस पे टोटल मास 2.3 में 2 है। क्लियर? हाँ सर। तो ऐड कर दिया तो 2.34032, राउंड ऑफ कर दिया तो 2.3 पे राउंड ऑफ हो गया। हो गया? हो गया सर। सो आंसर कितना आ गया, 2.3 किलोग्राम। क्लियर है? यस सर।
यस सर। हाँ, डिफरेंस इन मास ऑफ गोल्ड पीस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाँ, दो मास ऑफ गोल्ड पीस हैं, एक 0.20.15 और एक 20.17, तो कितने का डिफरेंस होगा? 0.02 का। यस और जीरो नो? पॉइंट जीरो टू यस सर। यस सर। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स देने हैं तो 0.02 रहेगा करेक्ट आंसर। यस क्लियर? सर। क्योंकि 0.02 में यस सर। कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? टू। यस टू। यस सर। ओके। यस सर। हाँ, चलो नेक्स्ट। ये 0.02 में टू सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे कि वन डिजिट होंगे? हाँ, सर वन होगा। 0.02 में तो वन सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, है ना? हाँ सर। सर बट उसकी वैल्यू ही इतनी आ रही है, तो क्या कह रहे हो? सर उसकी वैल्यू ही इतनी आ रही है कि अपन सिग्निफिकेंट हाँ, फिगर्स अपन को मतलब सारे उससे लेने कम उसको पड़ेंगे। कुछ कर ही सकते ही नहीं है। एग्जैक्टली सर। इसलिए सब। चलिए, 5.74 ग्राम ऑफ सबस्टांस ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूबिक, एक्सप्रेसिव डेंसिटी इन करेंट सिग्निफिकेंट डिजिट। हाँ बेटा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? फर्स्ट वाले में थ्री थ्री, इसमें कितने हैं? टू तो आंसर किस में आएगा? टू में टू में आएगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डिवाइड कर लिया तो आंसर आया था 1.783। राउंड ऑफ कर दिया टू सिग्निफिकेंट डिजिट में लाने के लिए 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। क्लियर है? यस सर। ओके, ये भी हो गया डन। क्वेश्चन पढ़ो। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एस इक्वल्स टू 200 प्लस माइनस 5 मीटर एंड टाइम टेकन बाय इट टी इक्वल्स टू 20 प्लस 0.2 सेकेंड, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होता कि नहीं होता? होता है सर। यस। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस परसेंटेज एरर ऑफ टाइम अपॉन टाइम। हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर। हो जाएगा। हाँ, तो पहले परसेंटेज एरर इन मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाला और फिर टाइम का निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर है कि नहीं? क्लियर? यस सर। कल क्लियर। सिखाया था डिस्प्लेसमेंट की परसेंटेज एरर। देखो बेटा कैसे हाँ निकलेगी, सर। डेल्टा फाइव फाइव अपॉन अपॉन ट्रू टू वैल्यू 200 मल्टीप्लाई बाई 100। यस फाइव सर। अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाई यस 100, सर। याद आ गया? हाँ सर ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट की परसेंटेज आ चुकी है 2.5, अगली की आ यस गई सर। 1 और दोनों को ऐड कर दिया। क्लियर? हाँ सर। एकदम सिंपल है, जो पढ़ाया है वही है। चलो अगला क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही सिंपल है, ये मैं करवा चुका हूँ आपको, कल आया था इसका 8% आंसर आया था, याद है? 7%, सॉरी। हाँ सर। सर 7। हाँ सर आ गया याद। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। हाँ सर आ गया याद। चलिए सिंपल है। हाँ, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड इन एक्सपेरिमेंट वॉज फाउंड टू बी 2.48, 2.46, 2.49, 2.50, 2.48। फाइंड द एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर, कैलकुलेट द रिजल्ट विद द एरर लिमिट। तो भैया बहुत मेहनत करनी है, सबसे पहले ट्रू वैल्यू निकालनी है, बोलो हाँ। हाँ फिर सर। सबकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, बोलो हाँ। हाँ सर। फिर उसके बाद परसेंटेज एरर निकालेंगे तो कैसे, किस तरीके से निकलेगी? ये एरर डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, आंसर आ गया 0.40। क्लियर? 0.40। यस सर। हाँ, करेक्ट लेंथ लिखने का तरीका, 2.48 ट्रू वैल्यू प्लस एब्सोल्यूट एरर 0.01, यस और यस नो? सर। मीटर। यस सर। क्लियर? यस सर। और परसेंटेज में लिखना चाहो तो 2.48 मीटर प्लस परसेंटेज में कितना परसेंट मिल रहा है? 0.40। 0.40%। ठीक है, यस सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन एरर का। डन। यस सर। डन। अगला क्वेश्चन, एक फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड क्यू इक्वल टू 2.1 प्लस 0.5 यूनिट्स, कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन क्यू स्क्वायर एंड 2Q। तो क्यू स्क्वायर के लिए सबसे पहले इसको रिलेटिव एरर में बदलोगे कि नहीं बदलोगे?
बदलेंगे और सर। उसके बाद उसका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा, बोलो यस और नो। हाँ सर, हाँ सर, तो यस ये देखो, सर। सबसे पहले मैंने क्या किया, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू किया और 2 पावर आ गई तो रिलेटिव एरर बन गई, और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितनी आ गई, 48%। क्लियर? यस सर। हाँ, तो पहला हो गया, तो पहले की एरर आ गई 48%। दूसरे की एरर क्या कह रहा है, 2Q, तो 2 तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, मतलब हाँ, कि 0.238, तो टू मल्टीप्लाई कर थ्री दिया एट तो यस 23.8, दैट इज इक्वल टू 24% राउंड ऑफ करके। समझ में आया? यस सर, यस सर। पक्का बन रहा कि जबरदस्ती वाला? यस सर। नहीं सर, बन रहा है, बन रहा है। ओके, सिंपल एकदम, बहुत ही सिंपल। ठीक है, हाँ चलिए। कल जैसे क्वेश्चन कराया था, व्हेन अ प्लैनेट जुपिटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ इतना फ्रॉम द अर्थ एंड एंगुलर डायमीटर इज मेजर टू बी 35.72 रेडी सेकेंड्स ऑफ एन आर्क, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन है। कैलकुलेट फॉर्मूला, तो सबसे रेडियन पहले एंगल को हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? में चेंज करूँ। यस सर। हाँ। अब उसके बाद फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? एंगल इज आर्क इक्वल टू लेंथ आर्क, अपॉन एंगल इज इक्वल टू रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, है ना? तो आर्क उसका डायमीटर बनेगा यस और सर। रेडियस उसकी डिस्टेंस बन जाएगी। क्लियर? यस सर। तो हमको क्या चाहिए है, डायमीटर चाहिए, तो डायमीटर इज इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस। ओके। अच्छा, हाँ, यस तो सर। एंगल कितना हमारे पास, ये जो एंगल है 35.72 इंटू 4.85 इंटू 10 की पावर -6, और डिस्टेंस कितनी भी है 824.7 इंटू 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका डायमीटर आ जाएगा। यस सर, क्लियर है? यस सर, कल क्लियर बिल्कुल है। सेम क्वेश्चन कल वाला है जैसा कल कराया था। हाँ सर। चलिए, लेजर। हाँ भाई साहब, ठीक है। अ लेजर लाइट बीम्ड एट द मून टेक्स 2.56 टू रिटर्न आफ्टर द रिफ्लेक्शन एट द मून सरफेस, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट। आपको रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट बतानी है। मतलब देखो क्या कह रहा है कि ए लेजर लाइट बीम्ड एट द मून टेक्स 2.56, क्या है 2.56 है क्या भाई साहब, एंड रिटर्न आफ्टर द रिफ्लेक्शन एट द मून सरफेस। सर टाइम दिया हुआ ना, 2.56। यस हाँ, एट मून टेक्स 2.56 सेकेंड होगा बेटा, ये कुछ होगा। हाँ सर, सेकेंड ही है, टाइम हाँ होगा ना। हाँ हाँ टी इक्वल टू 2.56 सेकेंड है, ठीक है ना? हाँ सर, और सेकेंड ही एंड टू रिटर्न आफ्टर रिफ्लेक्शन एट द मून सरफेस, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द लूनार ऑर्बिट, आपको कह रहा है कि लूनार ऑर्बिट की रेडियस क्या है। ओके, डायग्राम देखो कैसा है बेटा, ये अर्थ है, बोलो हाँ, हाँ और ये मून है, ठीक है ना? सर, दिख नहीं रहा पर। हाँ दिखा? अच्छा, छोटा सा हाँ नहीं दिखने दिखा? लगा। ये दिखा दिखा दिखा। ये अर्थ है, वो छोटा वाला मून है, ठीक है? यस सर। यहां से किसी ने लेजर लाइट मारी, लाइट गई और लौट करके वापस आ गई। क्लियर? हाँ और सर। इतने में 2.56 सेकेंड लगा है, ठीक? अच्छा, यस सर, तो यस मतलब सर। एक तरफ का जो रेडियस होगी उसमें आधा टाइम लगेगा, 2.56 का हाफ, बोलो यस और नो? हाँ सर, टू पॉइंट नाउ फाइव तो सिक्स टू पॉइंट फाइव वेरी सिक्स का हाफ कर लेना। अब उसके बाद फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, होता है? गुड। हाँ सर, तो होता है। स्पीड हो गई 3 × 10 की पावर 8 और टाइम हो गया ये, सो सॉल्व करके ये आ गया। डन? अच्छा, लाइट की स्पीड से इसको यस, मल्टीप्लाई कर डिस्टेंस देना इक्वल टू चाहिए। स्पीड इंटू यस सर, टाइम, यस सर, ठीक है बेटा? यस सर। चलिए,